myself Sunil Bharadwaj. I will discuss with you charging of capacitor through in LCR circuit. मैंने पहले वीडियो के अंदर पहले पार्ट के अंदर आपको करा दिया था कि जो हमारे पास में द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन LCR सर्किट क्या होता है. तो लास्ट में एक रिजल्ट आया था जो कि आपने देखा हुआ था, Q इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई टू वन प्लस बी अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट टी. तो ये इस तरीके का एक एक्सप्रेशन आया था, इसी को हम कहते हैं द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन LCR सर्किट. लेकिन अब मैं इसके थोड़ा सा पार्ट की बात कर देता हूँ, स्पेशल केसेस की मैं बात कर देता हूँ. स्पेशल केसेस की अगर मैं बात कर देता हूँ, पहला केस अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो पहले केस के अंदर आपको पता है व्हेन अगर मैं बात करता हूँ, इससे मैं देखूंगा कि हमारे पास में ये क्या चीज है. मैंने कहा व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर हो गया किससे, ओमेगा स्क्वायर देन. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कि R ओवर में L बराबर मैंने क्या माना था, 2B माना था, और मैंने B बराबर क्या मान लिया, R ओवर में 2L मान लिया. तो B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, R स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर. ये केस आपको पता चल गया होगा, ये इक्वेशन में मैंने माना था स्टार्टिंग के अंदर. और आपको पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर में LCA है. तो ये दोनों केस है, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन है ओमेगा स्क्वायर से, तो देन तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर ग्रेटर रहेगा किससे, 1 ओवर में LC. ठीक है, ये केस हमारे पास में आ जाएगा कि आर स्क्वायर ओवर में 4L स्क्वायर ग्रेटर रहेगा किससे, LC से रहेगा. तो इन सच अ केस केस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज रियल एंड पॉजिटिव. तो इस केस में क्या आ जाएगा, रियल एंड पॉजिटिव आ जाएगा. ये केस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज रियल एंड पॉजिटिव. तो इस केस में कह दिया जाएगा कि सच अ चार्ज इज सेड टू बी इसको कहते हैं, हम कहते हैं ओवर डैम्प. क्या कहते हैं, ओवर डैम्प. और एक नाम और है इसका, इसको कहते हैं डीड बीट. ठीक है, तो बीट. तो इस तरीके से इसको क्या कह देंगे, पहला केस आपका नीट एंड क्लीन है कि इस केस में आपने कह दिया कि ये क्या रहेगा, ओवरडैम्प रहेगा, और इसको कहेंगे डीड बीट कहेंगे. क्या कहेंगे, डीड बीट कहेंगे. तो पहला केस आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन शब्दों में कह दिया. ठीक है, सेकंड केस की अगर मैं बात करता हूँ, केस नंबर 2 है. इसके अंदर मान लेते हैं कि हमारे पास में ये बी स्क्वायर क्या चीज है, व्हेन बी स्क्वायर बराबर है हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर के, तो देन हमारे पास में क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर बराबर रहेगा 1 ओवर में LC के. तो इस केस के अंदर अगर हमने इस कह दिया कि ये केस आ जाएगा, इसका मतलब क्या कह देता है कि जो हमारे पास में ये है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास में नॉट इक्वल टू 0 रहेगा. ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0, तो ये कह दिया है इन दिस केस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 बट it is equal to a small quantity h. तो h हो गया, इसका मतलब हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू h. देन
देन इक्वेशन पी कैन बी रिटन एज, अब यहां से बिल्कुल आपको बिल्कुल ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर आपने यहां से ए और बी की वैल्यू को निकाला था और ए और वैल्यू की बी को यहां पे पुट किया था, मतलब ए और बी की वैल्यू जब निकल के आती इसी इक्वेशन पुट कर देता है तो ये इक्वेशन निकल के आती है। तो लेकिन चलो मैं इसको दोबारा से देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में आपने देखा कि एच हमें डालना है कि बाकी सब कुछ सेम है, दोबारा से हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर डाला तो Q इज इक्वल टू, इसको मैंने यही ले लिया, तो Q नॉट प्लस ए की पावर माइनस बी, इसकी जगह पर क्या लिया मैंने एच टी एस ई प्लस बी ई की पावर माइनस बी, और हमारे पास में क्या आएगा, ये हमारे पास में माइनस आएगा इधर, ये याद रख लेना ठीक है, माइनस माइनस एच टी, और ये हमने क्यू जो नॉट था वो आगे लिख लिया है। इसमें से आपने देखा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस ए, ठीक है, ए को हमने रहने दिया है अभी ए, इसमें से ई की पावर माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस बी टी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये बचेगा ए ई की पावर एच टी, ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा बी ई की पावर बी टी बाहर चला गया तो ई की पावर माइनस एच टी। तो ये हमारे पास में बिल्कुल नीट एंड क्लीन शब्दों मामा है। अब ई की पावर एक्स का एच टी का और ई की पावर माइनस एच टी का क्या कर देंगे, हम एक्सप्रेशन खोल देंगे, जैसा कि आपने पता है तो आपने देखा, इसको खोलते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस ई की पावर माइनस बी टी, ए इसको खोल दिया मैंने वन प्लस एच टी प्लस एच स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, इस तरीके से हमारा खुलता है एंड अप टू गोज ऑन एज ई प्लस बी, और हमारे ये खूटेगा वन माइनस एच टी प्लस एच स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर में फैक्टोरियल टू माइनस एंड अप टू गोज ऑन। तो ये लिख दिया है, इसको एक्सपेंड किया एंड नेगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, नाउ नेगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ एच स्क्वायर एच, तो हमने इसकी हायर ऑर्डर टर्म को कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा इसके अंदर से, और हमारे पास में क्या आएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर बी टी, ये आएगा हमारे पास में ए वन प्लस एच टी प्लस बी और वन माइनस एच टी, ये हमारे पास में कहा जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस ई की पावर माइनस बी टी, यहां से वन में से आपने देखा तो ये आएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, यहां से मैंने एच कॉमन ले लिया तो क्या आएगा ए माइनस बी और क्या आ जाएगा टी यहाँ पे आ जाएगा। एक इक्वेशन 11 12 जो भी है मैं दोबारा से यहाँ से ए डाल देता हूँ, ए ये चेक कर लेना कि जो भी हमारे पास में इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी। अब मैंने आपको पता है आपके पास में यहाँ पे दो वेरिएबल मान लीजिए लेट ए प्लस बी बराबर एक्स मान लिया और ए माइनस बी एच बराबर क्या मान लिया वाई मान लिया, ठीक है, देन इक्वेशन ए कैन बी रिटर्न एज जब हमने इस तरीके की कंडीशन को माना है। तो देखिए मैं यहां से रफ कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस e की पावर माइनस बी टी, ए प्लस बी बराबर क्या था हमारे पास में x है, उसके बाद में प्लस एच ए माइनस बी बराबर क्या है y,
प्लस वाई टी, ये हमारे पास में कोई एक इक्वेशन है। नाउ अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन कह लीजिए, इसको बी मान लिया, तो अप्लाई इनिशियल कंडीशन, तो मैंने लिख दिया नाउ टी बराबर जीरो देन क्यू बराबर जीरो, तो क्यू जीरो आ गया, क्यू नॉट को कुछ नहीं हो गया, e की पावर बी टी का मतलब है बी इंटू में जीरो, तो और ये आएगा हमारे पास में एक्स प्लस वाई इंटू में जीरो, तो क्या आ जाता है जीरो बराबर क्यू नॉट e की पावर जीरो, ये आएगी e की पावर जीरो और यह आएगा एक्स, ये जीरो प्लस जीरो लगा देते हैं तो e की पावर जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस एक्स और एक्स बराबर आ गया माइनस क्यू नॉट। ये आपको कंडीशन गिवन होनी चाहिए कि किस तरीके से आप इसको करोगे। अब बी को देखिए अगेन डिफरेंशिएट नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको देखिए आई आ जाता है डी क्यू ओवर में डी टी, ये आ गया क्यू नॉट का क्या हो गया जीरो प्लस, यहाँ दो फंक्शन है, पहला फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट मैंने कर दिया e की पावर माइनस बी टी और इंटीग्रेशन कर दिया सेकंड का, एक्स का जीरो आ गया प्लस टी का वन आ गया तो वाई आ गया प्लस, अब मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई टी, ये हमारे पास में कॉन्स्टेंट आ गया e की पावर माइनस बी टी इंटू में क्या जाएगा माइनस बी, क्योंकि टी का क्या हो गया वन हो जाता है, तो इस तरीके से ये एक नया फॉर्मेट होता है कि किस तरीके से हमें इसको करना है। तो ये कह दिया आई बराबर डी क्यू ओवर में डी टी, ये आ गया वाई ई की पावर माइनस बी टी यहां से प्लस, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई टी ई की पावर माइनस बी टी और ये यही लिख देता हूं माइनस बी, ठीक है, ये वाला टर्म यहां लिख दिया। अब आपको वही कंडीशन लगाना है टी बराबर जीरो, हमें क्या निकालना है टी बराबर जीरो, तो नाउ टी बराबर जीरो देन आई इज इक्वल टू जीरो, तो ये यहां रखिए इस इक्वेशन में, इसको मैं सी मान लेता हूं, ये सी हो गई हमारे पास में इक्वेशन, तो इस सी में जब मैं यहां रखूंगा तो देखिए क्या आएगा आई जीरो ये हो गया, अब यहां देखो वाई ई की पावर बी टी, तो वाई ई की पावर बी टी का मतलब हो गया जीरो माइनस बी एक्स प्लस वाई इंटू में जीरो और ई की पावर जीरो, तो जीरो ई की पावर जीरो का मतलब क्या होता है ई की पावर जीरो इज ऑलवेज वन, तो ये आ गया वाई माइनस बी एक्स ये जीरो, तो ये हमारे पास में इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, तो एक्स बराबर क्या थी माइनस क्यू नॉट था, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा ये इधर पहुंच गया तो बी एक्स आ गया और वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस के बी क्यू नॉट, तो ये हमारे पास में एक्स और वाई की दोनों की क्या आ चुकी है वैल्यू आ चुकी है, तो वाई बराबर माइनस बी क्यू नॉट आ चुका है। अब आपको क्या काम करना है, आपने कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन आपने मानी है कि ए और बी की फॉर्मेट के अंदर, आपको वहां पर इनके केवल क्या लिखना है वैल्यू डालना है, क्या डालनी है इनके अंदर वैल्यू डालनी है, और इक्वेशन क्या थी आपको याद होगा कि किस तरीके से हमें फॉर्मेट लिखना है, तो वो इक्वेशन हमारे पास में ये रही b के अंदर लिखना है x और y t हमारे पास में क्या आएंगे ये रहा, यहां हमें डालनी है then equation भी can be written as
then equation B can be written as तो आपने देखा Q is equal to Q naught plus e की power minus bt, okay, x where x is minus Q naught plus y की value क्या आई है अभी, y की value आई है minus b Q naught t. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया. अब देखिए ये भी क्यू नॉट, ये भी क्यू नॉट, ये भी क्यू नॉट, तो इसमें से आपने क्या काम कर लिया, क्यू नॉट कॉमन ले लिया. क्यू नॉट कॉमन आते ही यहां बचेगा वन, ठीक है, यहां वन बच गया तो यहां आ जाएगा माइनस ई की पावर बी टी, ये यहां बच गया, यहां वन था तो माइनस ई की पावर बी टी, ये आ गया माइनस बी बी ई की पावर माइनस बी टी, ठीक है, ये और इन टू में टी, ये एक इक्वेशन आ जाती है. देखिए मैं इसको दिखा देता हूं. यस, तो इस तरीके से ये एक फॉर्मेट है. और इसको देखिए मैं थोड़ा सा और कर देता हूं, इतना मैं इसको रफ कर देता हूं. तो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये आ गया वन माइनस, इसमें से मैंने ई की पावर माइनस बी टी कॉमन ले लिया माइनस के, तो यहां क्या बचेगा, यहां वन माइनस माइनस प्लस बी टी, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है बी टी के फॉर्मेट में. तो ये इक्वेशन आपके पास में हमने इसकी क्यू नॉट के लिए निकाल दी जाती है. क्या हो गया, ये इक्वेशन हमने क्यू नॉट के लिए, तो ये एक हमारे पास में केस आ जाता है. तो इसके अंदर आप लिखते हो, लिखना है ये देखिए, द चार्ज इंक्रीज विदाउट एनी एसोलेशन, इसका मतलब है द चार्ज इंक्रीज विदाउट एनी ऑसिलेशन, दिस इज अ ट्रांजिशन केस बिटवीन, यहां देख लीजिए, बिटवीन नॉन ऑसिलेटरी एंड ऑसिलेटरी. इसका मतलब कह दिया सच अ चार्ज इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्रिटिकली डैम्प. क्या कहेंगे इस तरीके के केस को, क्रिटिकली डैम्प कहेंगे हम इस केस को. क्या रहेगा ये, क्रिटिकली डैम्प. इसने क्या कहा है, द चार्ज इंक्रीज विदाउट एनी ऑसिलेशन, दिस इज अ ट्रांजिशन केस बिटवीन नॉन ऑसिलेटिंग एंड ऑसिलेटिंग, इन दोनों के बीच में ये ट्रांजिशन रहेगा ना, तो ये क्या बिटवीन रहेगा, दिस इज अ ट्रांजिशन केस बिटवीन नॉन ऑसिलेटरी एंड ऑसिलेटरी, दोनों के अंदर रहेगा, ऑसिलेटरी भी और नॉन ऑसिलेटरी का केस है. तो सच चार्ज इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड, हम इसको क्या कहेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड कहेंगे. अब मैं बात करता हूँ इसके थर्ड केस की. थर्ड केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको थोड़ा समझना है, तो मैं अब बात करता हूँ आपसे थर्ड केस की, ठीक है, ओके, बात कर. आपसे बात कर रहा था थर्ड केस की, दो केस मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए. थर्ड केस देखिएगा आपके पास में, वो क्या कहता है, थर्ड केस, वेल बी स्क्वायर लेस है किससे, ओमेगा स्क्वायर से, तो देन हमारे पास में क्या आएगी, आर स्क्वायर अपॉन में फोर एल स्क्वायर लेस रहेगा वन ओवर में एल सी. तो इन दिस केस द क्वांटिटी क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज
नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव। एंड 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 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज एन इमेजिनरी, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी रहेगा, तो मान लेते हैं लेट, देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रहा कोई सिस्टम ऐसे तो है बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपने इसमें से क्या काम कर दिया, आपने क्या काम कर दिया, अंडर रूट यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी आपने क्या काम कर दिया, इसमें रूट माइनस बाहर ले लिया और दूसरे में क्या लिख दिया, रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है, आपको पता है नाउ नाउ अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ जे स्क्वायर इज ऑलवेज माइनस वन, क्योंकि जे स्क्वायर क्या चीज है, इमेजिनरी है। जे स्क्वायर को हम जे ऑपरेटर के फॉर्म में लेते हैं, वैसे आयोटा की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, लेकिन हम यहाँ केस के क्या लेते हैं, जे का केस ले रहे हैं। तो जे स्क्वायर माइनस वन और जे की वैल्यू निकालोगे तो आप रूट में क्या रहेगा, माइनस वन। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो जे मान लिया ये, और नाउ नाउ ये मान लिया अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, के मान लिया, तो जे के हो गया। तो इसको जो लिखा है ना, मैंने इसको लिखा है तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को लिख दिया मैंने जे के की फॉर्मेट में लिख दिया। क्यों, ये आता क्या चीज है, जे के की फॉर्मेट में आ गया माइनस वन और रूट में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। तो मैंने आपके सामने एक समक्ष के क्वेश्चन लिखा था, लास्ट में मैंने कहा था दिस इज द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू इन एलसीआर सर्किट, एक इक्वेशन आई थी। तो क्या आई थी वो, क्यू इक्वल टू क्या था हमारे पास में, ये थी Q इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस मतलब माइनस क्यू नॉट बाई टू, और ब्रैकेट में क्या था हमारे पास में, ये थी वन प्लस बी बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये था। और साथ में क्या था हमारे पास, e के पावर में माइनस बी, ये तो था e के पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास में एक इक्वेशन थी। और उसके साथ में क्या था हमारे पास में, माइनस क्या था, प्लस और क्या था, वन माइनस बी अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ई की पावर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, ये हमारे पास में केस था इसका, जिसको मैंने इक्वेशन माना था। ये इक्वेशन आपको अब क्या करनी है, याद रखनी है कि क्या हमारे पास में है। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू डालनी है तो आप डालिएगा बिल्कुल। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई टू, ओके। वन प्लस बी को कुछ नहीं किया, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा बराबर क्या लिख दिया मैंने, जे के लिख दिया भैया, e की पावर माइनस बी प्लस इसके बराबर क्या लिख दिया, जे के लिख दिया है टी, और ऐसे प्लस वन माइनस बी अपॉन में जे के, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस बी माइनस जे के टी। तो ये एक न्यू इक्वेशन आएगी जिसको मैं स्टार नाम दे रहा हूं, चेक कर लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ हो, क्योंकि तो मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको देखना अभी समझा देता हूँ। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस, देखिए माइनस क्यू नॉट ये क्यू नॉट है, e की पावर माइनस बी टी कॉमन ले लिया, सभी में से ले लिया, देखो यहाँ ये पूरा पूरे के अंदर है, ये वाला जो क्यू नॉट बाई टू है ये ऐसे है, आपने देखा होगा कि क्यू नॉट बाई टू इसके अंदर भी मल्टीप्लाई है, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई है। तो क्यू नॉट ई की पावर बी टी, ई की पावर माइनस बी टी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, आपने देखा होगा जब इसके अंदर हमारे पास में आ जाएगा
ये बचेगा e की पावर जे के टी इसके साथ में पहला केस भाई, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पूरा फैक्टर इसके साथ में मल्टीप्लाई है, ये पूरा फैक्टर इसके साथ में है। तो पहले मैं वन वन के केस ले रहा हूँ, इसमें से क्यू नॉट e की पावर माइनस बी टी तो बाहर आ गया, अब बचा क्या e की पावर जे टी, e की पावर जे के टी प्लस यहां से क्या आएगा माइनस जे के टी, e की पावर माइनस जे के टी, और नीचे क्या आ जाएगा इसके टू आ जाएगा पहला केस प्लस ये तो आ गया। अब यहां से देख लो, इसके अंदर से b अपॉन में k मैंने कॉमन ले लिया, वैसे b अपॉन में जे के ही कॉमन है, वैसे मैं ले रहा हूं यहां पे b अपॉन में k, और ये केस क्या आ जाएगा, ये भी आएगा भाई क्योंकि इसके साथ ही मल्टीप्लाई भी है ये, और e की पावर माइनस बी टी बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा e की पावर j k t माइनस e की पावर माइनस j k t अपॉन में यहां लिख दिया है मैंने 2j, क्योंकि ये जो j था वो नीचे इसके साथ में लिख दिया, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है जिसको आप हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला बन जाते हैं, आपको पता है ये कॉस का फॉर्मूला है, कॉस के टी का, और ये हमारे पास में साइन के टी का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये आपने जब इसको लिखना है तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी, और इसको लिख दिया कॉस के टी प्लस बी ओवर में के साइन के टी का फॉर्मूला, ये इस तरीके से हमारे पास में बन गया है। ठीक है, अब यहां से आपको करना क्या है, यहां से देखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। अब तो सिंपल है क्योंकि अब तो कुछ नहीं है, अब तो एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने ये भी मिटा दिया, हमें तो एक ही इक्वेशन से काम करना है, तो ये रहा। तो अब देखिए आपने क्या काम किया, q इज इक्वल टू q नॉट माइनस q नॉट e की पावर माइनस बी टी। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, यहां से k कॉमन ले लिया, k या नीचे से कॉमन लोगे, आपने देखा होगा जब k कॉमन लोगे तो k यहाँ आ जाएगा ये वाला k, लेकिन यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k cos kt प्लस बी साइन के टी। तो ये एक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास में कि q इज इक्वल टू q नॉट माइनस q नॉट बाई के ई की पावर बी टी माइनस बी टी के कॉस के टी माइनस प्लस बी के बी साइन के टी। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने क्या काम किया, नाउ लेट के अपॉन में बी, के अपॉन में बी। ठीक है, तो के अपॉन में बी की अगर मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले थोड़ा सा और मैं बात कर देता हूं। इस इक्वेशन को आपने यहां ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट अपॉन में के ई की पावर माइनस बी टी ओमेगा। अब ओमेगा से हम मल्टीप्लाई किए तो के ओवर में ओमेगा कॉस के टी प्लस बी ओवर में ओमेगा साइन के टी, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब लिखो लेट हमने मान लिया के ओवर में बी इज इक्वल टू टेन फाइव, क्या मान लिया टेन फाइव, तो फाइव इज अ न्यू कांस्टेंट, तो फाइव हमारे पास में क्या है, फाइव इज अ न्यू कांस्टेंट है। अगर ये फाइ की मैं बात करता हूं तो देखिए कोई भी फाइ है हमारे पास में, दिस इज द फाइ, और फाइ टेन फाइ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रहेगा के अपॉन में बी, दिस इज द के अपॉन में बी, और ये मैंने मान लिया ओमेगा, ये ओमेगा रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज वाला क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा। तो यहां से के ओवर में ओमेगा है,
यहां से के ओवर ओमेगा की अगर मैं बात करता हूं, ये हो गया हमारे पास में क्या हो गया के, ये हो गया ये बी और ये ओमेगा हो गया। तो ये ट्रायंगल के नाम डाल देता हूं मैं पी क्यू आर, ठीक है पी क्यू आर। अगर ये चीज है तो मैं यहां से साइन फाई की अगर मैं बात करता हूं, साइन फाई क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के अपॉन में ओमेगा, क्या जाएगा के अपॉन में ओमेगा। उसके बाद में अगर मैं कॉस फाई की मैं बात करता हूं, कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन में ओमेगा, बेस अपॉन में ओमेगा, ओमेगा ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो बिटवीन का सिंबल बन जाएगा ओमेगा। तो ये सारी चीजें के अपॉन में ओमेगा ये रहा और बी अपॉन में ओमेगा ये रहा। तो ये आपने इस तरीके से जब यहाँ पे देखा, इस ट्रायंगल के अंदर आपने देखा कि जो हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो उसके अंदर हमने ये मान लिया कि के अपॉन में भी टेन फाई है, तो यहाँ इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के साथ में हमने इसको निकाल दिया। अब देखिए इसको, ये इक्वेशन मैंने मान लेता हूँ कोई भी है, जैसे सी डी मान लेता हूँ इसको डी, ठीक है नाउ इक्वेशन डी कैन बी रिटन एज, रिटन एज तो क्यू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट अपॉन में के ई की पावर माइनस बी टी ओमेगा के अपॉन में ओमेगा, के अपॉन में ओमेगा क्या रहेगा साइन फाई कॉस के टी प्लस कॉस फाई साइन के टी। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाती है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस ओमेगा ओवर में के, ऐसे लिख देता हूं Q नॉट e की पावर माइनस बी टी, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता है, साइन के टी को पहले लिखा कॉस फाई को बाद में लिखा, साइन ए कॉस बी कॉस ए तो इसका मतलब के टी के कॉस के टी को आगे लिख दिया और साइन फाई को हमने यहां रख दिया। तो अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, फिर करते हैं। तो क्या आया वैल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस ओमेगा अपॉन में के क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी, ये क्या बन गया साइन, साइन किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी के टी प्लस फाई का फॉर्मूला है। आपने यहां से क्यू नॉट कॉमन ले लिया, क्यू नॉट कॉमन लेने से क्या बनेगा वन माइनस ओमेगा अपॉन में के ई की पावर माइनस बी टी साइन के टी प्लस फाई, ये हमारे पास में एक न्यू इक्वेशन आ गई है चार्ज की। तो ये इस तरीके से आपने इक्वेशन को देखा, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आ जाएगा विच इज डैम्प ऑसिलेटरी चार्ज, विच इज डैम्प ऑसिलेटरी चार्ज। अब मैं बात करता हूं आपसे, अगर मैं इसमें बात करता हूं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर, तो मैं बात कर रहा था एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी की। तो ये क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी, होता है हमारे पास में ओमेगा अपॉन में के ई की पावर माइनस बी टी। ओमेगा तो आपने देखा होगा, ओमेगा को हमने ये किस फॉर्मेट में लिख रखा, ओमेगा हमारे पास में ओमेगा की फॉर्मेट है, और के को किस फॉर्मेट में लिख रखा है, हमने लिख रखा है ओ के को के बराबर क्या लिखा था, हमने लिखा था बी ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या था बी, तो के ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और e की पावर माइनस b को क्या लिखा था, हमने लिखा था b, भाई पता है r ओवर में l इज इक्वल टू 2b था, तो b बराबर था r अपॉन में 2l, तो b हमारे पास में क्या जाएगा r अपॉन में 2lt। तो ये भी एक तरीके से आप याद रख लेना, ये क्या चीज था, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी था, क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज है। इस केस में ये कहता है कि जो हमारे पास में एम्पलीट्यूड आता है कि r अपॉन में 2lt, ठीक है, तो इस केस में ये कहता है कि जो हमारे पास में ये कह दिया इफ r बराबर जीरो, इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम पे डिपेंड कर देता है, केस है इफ r बराबर जीरो, तो ये r बराबर जीरो e की पावर जीरो, तो ये हमारे पास में जीरो हो गया तो वन आ गया, तो इसका मतलब क्या, एम्पलीट्यूड इज कॉन्स्टेंट, एम्पलीट्यूड इज कॉन्स्टेंट and 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 oscillation becomes simple harmonic motion and oscillation becomes simple harmonic motion। तो बेटा ये मैंने पढ़ दिया, अब आपको क्या काम करना है, इसी इक्वेशन से क्या निकालना, करंट निकालना है। तो आपको जब करंट निकालना है तो मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि अब ये आप कर लेना, डिफरेंशिएशन करना है, ये कोई इक्वेशन डी ई कह दी है मैंने, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में, तो आई बराबर क्या रहेगा, डी क्यू ओवर में डी टी रहेगी, तो आई की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि I की जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी, इसको सॉल्व करना आप, तो वो रहेगी I बराबर Q नॉट ओमेगा स्क्वायर e की पावर माइनस बी टी अपॉन में K साइन के टी। ये इक्वेशन आपको हमेशा अब निकालनी है आपको, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको और करता हूँ तो 10 मिनट का और आर्टिकल बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको आपको चेंज करना कि आई की वैल्यू हमें किस तरीके से क्या निकालनी है। अब बात मैं करता हूँ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की, क्या चीज है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालिए, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में क्या रहता है, टी इज इक्वल टू 2π के, और 2π के की वैल्यू क्या चीज है आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है, तो टी इज इक्वल टू 2π अपॉन में ओमेगा की वैल्यू क्या है 1 ओवर में LC, और B की वैल्यू क्या है R स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर, तो ये हमारे पास में एक T की वैल्यू आ जाएगी, और T की वैल्यू आ जाएगी तो बेटा जितने भी LCR के आप टाइम पीरियड निकालोगे LCR के वो इस फॉर्मूले से निकालोगे, तो T इज इक्वल टू 2π अपॉन में 1 ओवर में LC माइनस R स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर, तो ये आपका वो फॉर्मूला रहेगा, इसको कहते हैं। अब मैं निकालता हूं आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, नेक्स्ट आर्टिकल है सी का, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या रहती है, न्यू इज इक्वल टू 1/T, तो 1/T का मतलब क्या हो जाएगा, न्यू, इसको अपोजिट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/2π रूट में क्या आ जाएगा 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी का केस यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ये भी आप याद रखना, कहीं आप कुछ और उल्टा सुलटा कर दो। तो मैं बात करता हूं फॉर अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल,
नोट है यहाँ पे, नोट फोर आर सर्किट, सर्किट आर इज वेरी स्मॉल, तो इट मीन सच दैट आर बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। आर बराबर जीरो तो ये है हमारे पास में एलसी, तो ये क्या हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का वही फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 pi अंडर रूट एलसी। आगे ना देखो जो सिंपल फॉर्मूला हम निकालते थे, इफ आर इज वेरी स्मॉल देन द फ्रीक्वेंसी इज, ये हमारे पास में आ जाए। और अगर मैं यहां से टाइम पीरियड निकालू तो टाइम पीरियड क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है 1/n, तो यही तो है टाइम पीरियड 1/n, तो t इज इक्वल टू 1/(1/2π) रूट एल सी, तो t की बराबर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2π रूट एल सी। तो यहां से टाइम पीरियड ये आ जाएगा निकल के, यहां से भी आप देख सकते हो टाइम पीरियड जो भी है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज आप करोगे, तो मैंने आज आपको जो पार्ट था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू एलसीआर सर्किट उसको आज कंप्लीट किया है, और लेकिन थोड़ा सा इसका एक ग्राफिकली पार्ट रह गया, जो तीनों केस मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं उसका ग्राफ और मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कि उन तीनों का किस तरीके से ग्राफ आता है, वो ग्राफ आपको बता देता हूं। जो तीन केस मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं कि टाइम पीरियड और चार्जेस के साथ में हमारा क्या ग्राफ आता है, ये हमारे पास में चार्ज है, चार्जेस इसका मतलब क्यू है, ये हमारे पास ये एक्सिस ये, और ये है हमारे पास में टाइम पीरियड ये, ठीक है, ये एक्स और ये वाई। तो मान लेते हैं कोई भी चार्ज मैक्सिमम इतना फ्लो हो रहा है, दिस इज द क्यू नॉट, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चार्ज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या कहते हैं इसको, क्यू नॉट कहते हैं, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। तो जब आपने पहला केस डिस्कस किया था उस केस के अंदर आपका पहला केस ये ग्राफ आता है आपका, इसका जो ग्राफ आता है थोड़ा सा ये ग्राफ आता है पहला ए, इसको ए मैंने नाम दिया है पहला केस का, केस नंबर 1 का जो ग्राफ आता है कि आपके एक्सपोनेंशियली ये ग्राफ क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। बी के केस में आपने देखा थोड़ा सा हमारे पास में ये ओरिजिन से है भाई, कहीं आप इसको कहीं और से डिनोट कर दो, ये रहा। और बी केस में तो बी केस में आपका ये ग्राफ आता है, और सी केस में इसको बी नाम दिया गया था, बी जो केस सेकंड डिस्कस किया था, और थर्ड केस में अगर आपको देखते हो तो इस तरीके से ये ऑसिलेटरी पार्टिकल रहेगा और ये ग्राफ आता है आपका, ये सी वाला केस है, तीनों केसेस हैं। तो इसके अंदर आपने इनको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से देख लिया कि किस तरीके से इनका ग्राफ आता है, मैक्सिमम चार्ज क्या है, दिस इज द ऑसिलेटरी फॉर्म में ये, और ये आपका इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ आएगा। अब देखिए जितना बड़ा आर्टिकल ये है, दो पार्ट में आप किया है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टर एंड रजिस्टर, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या हमें डिस्चार्जिंग वाला भी करना होगा, सेम है केवल बैटरी को ईएमएफ को कट कर देना है, बाकी सेम इक्वेशन आएंगे, और थोड़ा सा बस ये है कि इसकी अपेक्षा वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, तो मुझे बता देना कमेंट में लिख करके कि मुझे इसका सेकेंड पार्ट करना है यानी कि। तो इसी के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पहली जो यूनिट है उसका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उससे आगे चलेगा आपका एसी सर्किट, और एसी सर्किट के अंदर मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये ही जो एलसीआर एलसीआरसी
सर्किट है, मैं इनको जे ऑपरेटर की फॉर्म में करूंगा, जिसको हम इमेजिनरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में आपके साथ में एलसीआर का वहां पे इम्पीडेंस निकालूंगा और रेजोनेंस सर्किट के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से क्वालिटी फैक्टर भी बताऊंगा। तो इस तरीके से एक यूनिट आपकी हो जाएगी। तो अगली क्लासेज में भी मुझे 3 या 4 लेक्चर आपके डिलीवर करने हैं, जिसमें आपका ये कंसेप्ट टोटली क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो मैं एक यूनिट आपकी जल्दी ही फिनिश कर दूंगा, फिर मैं आपकी पहले पेपर की पहली यूनिट उठाऊंगा। इस तरीके से हम आपको इसको करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।